जैन तीर्थ कुंडलपुर और जागेश्वर धाम है, वहीं दूसरी तरफ ये आला उदल की शौर्य भूमि भी है। ये नारी शक्ति की प्रेरणा रानी दुर्गावती और अवंतीबाई की भी कर्मस्थली रही है। इस पावन धरा पर आप सभी मेरे परिवारजन और आप सभी मेरे परिवारजनों का दर्शन प्राप्त करना, इससे बड़ी और खुशी जिंदगी में क्या हो सकती है। यहां आपका इतनी बड़ी संख्या में आना हम सभी पर अपना स्नेह बरसाना, आशीर्वाद देना, 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों का ऐलान कर रहा है। आज दमोह कह रहा है, पूरा मध्य प्रदेश कह रहा है, हर मतदाता कह रहा है, एक बार फिर मेरे परिवारजनों, आप सभी के आशीर्वाद से पूरे विश्व में आज भारत का परचम लहरा रहा है ना, पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है ना। आपको गर्व हो रहा है। आज जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक भारत का गौरवगान हो रहा है। भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा। भारत में हुए G20 सम्मेलन की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। भारत के युवा बेटिये बेटियों खेल के मैदान में आज नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। भारत की एक गाथा बुंदे ले हर बोलो, भारत की एक गाथा बुंदे ले हर बोलो, ये हम बचपन से सुनते थे और एक गाथा आज हम दुनिया को सुना रहे हैं। भारत का ये गौरवगान संभव न हो पाता अगर एमपी का इतना आशीर्वाद मुझ पर न होता। ये आपका स्नेह, आपका प्यार और इसी के कारण गांव के लोग हो या शहर के लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो या अनपढ़ लोग हो, पुरुष हो या स्त्री हो, लोग यही कहते हैं एमपी के मन में और मोदी के मन में और मोदी के मन में और मोदी के मन में। मेरे परिवारजनों, एमपी के मन में मोदी है। गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े और आदिवासी के मन में मोदी के लिए अपार प्यार है, क्योंकि मोदी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका सेवक है।
आपका जीवन बेहतर हो, आपके जीवन से मुश्किलें कम हो, यही मेरी प्राथमिकता है। देश को आजाद हुए इतने साल हो चुके हैं, इतने वर्षों से कांग्रेस देश से एक ही झूठ बार बार बोलती आ रही है, देश से गरीबी खत्म करने का नारा देती आ रही है, लेकिन कांग्रेस कभी गरीबी खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की नीयत ठीक नहीं थी। कांग्रेस के राज में गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होते गए। आज केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है, भाजपा के सेवाकाल में देश गरीबी से बाहर निकल रहा है, अपनी गरीबी दूर कर रहा है। मेरे परिवारजनों, आज पूरी दुनिया भारत में हो रहे विकास की चर्चा कर रही है। 2014 में जब हम सरकार में आए, हमारा सेवा काल शुरू हुआ, आपके आशीर्वाद से 2014 में हमारा सेवा काल प्रारंभ हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।